हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल तो दोस्तों हम लोग एम सी क्यू सीरीज़ कर रहे थे फॉर अपकमिंग यू पी एस सी पीलीम्स एज वेल एज फॉर द जे के एस सी जेके एस प्रीलीम्स तो दोस्तों उसी तरीके से आज हम एक और सेशन लेके आए हैं जिसमें हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स और कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट लिए हैं वो डिस्कस करेंगे तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज़ कंसिडर इंग लाइकिंग इट शेयरिंग इट एंड सब्सक्राइबिंग इट ठीक है दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हर घर जल प्रोग्राम फर्स्ट इट इज अ स्कीम इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर जल जीवन मिशन सेकेंड इट एम्स टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय ट्वेंटी ट्वेंटी फोर थर्ड बुरहानपुर इन मध्य प्रदेश इज फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द इंडिया तो दोस्तों इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री और डी नन तो दोस्तों इस आंसर सी यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी दोस्तों बुरहानपुर एम पी वज द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट टू अचीव हंड्रेड परसेंट कवरेज हर घर जल यानी कि वाटर टू एवरी हाउस होल्ड इन स्कीम इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर जल जीवन मिशन इन ट्वेंटी नाइनटीन विद द एम टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बेवेंटी ट्वेंटी फोर ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंडिया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम प्राइमरली एम्स टू ए रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बी प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सी इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन और डी इंसेंटिवाइज वॉलेंट्री इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस तो दोस्तों इसका आंसर है डी टू इंसेंटिवाइज वॉलेंट्री इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्शन देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन दोस्तों ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अंडर दिस इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एफ पी ओस अर्बन लोकल बॉडीज ग्राम पंचायत एंड प्राइवेट सेक्टर विल बी एबल टू अर्न ग्रीन क्रेडिट फॉर अंडरटेकिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्शन द ग्रीन क्रेडिट्स विल बी ट्रेडेबल ऑन ए प्रपोज डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफॉर्म इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ मीन्स लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट टू इंकरेज सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल बाई ड्राइविंग कंज्यूमर कम्युनिटीज टुवार्ड बिहेवियर चेंज टू इंसेंटिवाइज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कवच फर्स्ट द कवच इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ सेकेंड इट एक्टिवेट्स द ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इफ द ड्राइवर फेल्स टू कंट्रोल द ट्रेन एज पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन third in india the covered system has been installed on every railroad track how many of the given statement are correct only one only two c only three or d none तो so, दोस्तों इसकी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है बल्कि फर्स्ट एंड थर्ड गलत है क्यों चलिए देखते हैं दोस्तों इट इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम डेवलप्ड बाय द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एस इन कोलेबोशन विद द इंडियन इंडस्ट्रीज It provides protection by preventing trains from passing the signal at red and activates the train braking system automatically if the driver jumps the red signal and avoids collision. Dostum, the traffic collision avoidance system helps in two way communication between the station master and the local pilot to convey any emergency message. Both the Shalimar Chennai mandal Express and the Yashwantpur Hovda Express are not fitted with Kavach TCAS. Next question.

एम स्वनिधि स्कीम इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम इट वॉज लॉन्च इन ट्वेंटी ट्वेंटी एज ए पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान ऑब्जेक्टिव क्या है इसके दोस्तों टू प्रोवाइड एफोडेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स अफेक्टेड बाय द कोड नाइनटीन लॉकडाउन फुलडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर लैंडिंग पीरियड हैज बीन एक्सटेंडेड टिल दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी कि आईसीडीएस फर्स्ट इट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम सेकंड इट वाज लॉन्च इन 1975 टू ब्रेक द इंटर जनरेशन साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन थर्ड इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हाउ मनी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओनली वन ओनली टू ऑल थ्री और डी नन तो दोस्तों ऑल थ्री यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं चलिए देख लेते हैं इसको

टाइटल क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ फॉर इंडिया इन लाइट ऑफ दिस फॉलिंग मिनरल्स इज़ नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया ए जोमेनियम बी यूरेनियम सी नाबियम और डी यूरेनियम तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी यूरेनियम इज़ नॉट द क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस कमेटी ठीक है दोस्तों क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स आर ए ग्रुप ऑफ मिनरल्स आर असेंशियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड हैव स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी दिस मिनरल्स आर करैक्टराइड बाई द स्कॉसिटी हाई इकोनॉमिक वैल्यू एंड क्रिटिकलिटी इन प्रोडक्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस सिस्टम ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कोर्सिया सी ओ आर एस आई ए को ग्लोबल स्कीम इन न्यू रिसेंटली इज रिलेटेड टू एबीएशन पॉल्यूशन वाटर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन लाइट पोल्यूशन तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स ए एविएशन पोल्यूशन ठीक है चलिए इसका देख लेते हैं कोर्सिया विच स्टैंड फॉर कार्बन ऑफ साइडिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन इज ए ग्लोबल स्कीम इस्टेब्लिश बाय द आई सी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन टू अड्रेस द ग्रोथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल एविएशन ठीक है aviation, ICAO, दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन इज एम्ड एंड कैंपेन इज एन इनिशिएटिव ऑफ द नीति आयोग क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और डी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर ठीक है द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर है लॉन्ग द मेगा कैंपेन मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर टू प्रमोट वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिड्यूस रियूज एंड रिसाइकल इट्स एम इज टू इंस्टिल प्रो इनवायरमेंटल बिहेवियर चेंजेस इन डेली लाइफ इन लाइन विद मिशन लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इनवायरमेंट इम्प्लीमेंटेशन द कैपेन एम्स टू एस्टैबलिश आर 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 सेंटर रिड्यूज एंड रिसाइकिलस सिटीजन कैन कंट्रीब्यूट आइटम्स लाइक क्लोथ शूज बुक्स स्टॉस एंड प्लास्टिक फॉर यूज और रिसाइकिल दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करक्ट रिगार्डिंग दि सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट फर्स्ट इट ऑपरेट्स थ्रू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सेकेंड इट एम्स टू प्रोसेस एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर द रिमूवल ऑफ कंपनी नेम्स फ्राम द रिक्ड्स अंडर दैक्ट ट्वेंटी थर्टीन थर्ड इट इम्प्रूवज द इज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूसिंग द कोड बिलो ए वन एंड टू बी थ्री सी टू एंड थ्री और डी वन टू एंड थ्री तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी वन टू थ्री इनकी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं C Pace, founded in March 2023, headquartered at the Office of Institute of Corporate Affairs in Gurgaon, aims to ensure a cleaner registry, provides hassle free filing and timely process bound striking off of company names from the register. C Pace operates through the registrar of the companies and is part of the MCA efforts to improve the ease of doing business and facilitate companies' growth. MCA means Ministry of Corporate Affairs. Okay, next question Consider the following statement about the ओ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ओ एंड डी सी काफी न्यूज़ में चल रहा है दोस्तों सुना होगा आपने इसके बारे में फर्स्ट दिन एन पी सी आदि यानी कि दिन नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश दिस प्लेटफॉर्म एज ए गवर्नमेंट ई कॉमर्स सिस्टम सेकंड इट सर्वस एस ए मेडिएटर बिटवीन कंज्यूमर्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंड रिटेलर्स रादर रान एक्टिंग एज एन एप्लीकेशन बिच ऑफ द अब स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ टू डी नीदो वन नॉट टू तो दो, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी नीदो वन नॉट टू दोनों स्टेटमेंट गलत हैं चलिए देख लेते हैं क्यों ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज ए प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्शन एट कंपनी स्टैब्लिश बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप Open e commerce. It was incorporated on 31st December 2022 with initial investment from Quality Council of India and Protein e Government Technologies Limited, former NSDL e Government Infrastructure Limited. ONDC oh, is not an application, TK, an intermediary or software, but a set of specifications designed to foster open interchange and connections between the shopper technology platform and the retailers. ठीक है दोस्त तो चलिए आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं हम एक नए सेशन के लिए कल नए सेशन के साथ कल फिर से आएंगे दोस्तों चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ठीक है दोस्तों थैंक यू